नमस्कार और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो आज मैं आपको आलू की टिक्की बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल है, आप घर के इंग्रेडिएंट्स से इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए मैं जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रही हूँ वो है बॉइल्ड एंड पीट पोटैटो, नमक, चाट मसाला, बारीक कटी हुई मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी धनिया, कॉर्नफ्लोर और तलने के लिए ऑयल। तो अब हम आलू की टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोटैटो को स्मैश करूंगी। इन्हें अच्छे से हमें स्मैश करना है ताकि इनमें एक भी गुठलियाँ ना रहें। और मैं अपने हाथों का यूज कर रही हूँ, आप पोटैटो स्मैशर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, घिसा हुआ अदरक, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। मैं 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के यूज कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर हमारे पोटैटोज को बाइंड करने में मदद करता है और जब हम इसकी टिक्की बनाते हैं तो ये तेल में फैलता नहीं है और टिक्कियाँ बहुत ही कुरकुरी बनती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पाम को ऐसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और आलू की छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के उसे अपने हथेलियों पर रोल कर रही हूँ। हम इन लोइयों को थोड़ा चिकना कर लेते हैं रोल करके और फिर मैं इसे अपने पाम से दबा करके चिपटा कर लूँगी। मैं इसे साइड से ऐसे दबा दे रही हूँ ताकि हमारी टिक्की थोड़ी सुंदर दिखे। तो चलिए हमारी पहली टिक्की तैयार हो गई है और यही प्रोसेस मैं बाकी के पोटैटोस के साथ भी करूंगी। तो मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं, अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए टिक्कियों को अपने फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ गैस पे एक नॉनस्टिक पैन रखा हुआ है, उसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और जब हमारा पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें ऑयल डालूंगी। पैन हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, 2 से 3 चम्मच बहुत होंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें टिक्कियों को डालूंगी। तो हम टिक्कियों को बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ बराबर से गोल्डन ब्राउन हो जाएं।
और मैं एक स्पून और स्पैचुला की मदद से चेक कर लेती हूँ कि ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो रही हैं या नहीं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो मैं थोड़ी देर इसे और पकने देती हूँ। हमारी टिक्कियाँ एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसे पलट देती हूँ। थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्कियाँ यहाँ कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। दूसरे साइड से भी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करना है। हमारी टिक्कियां हो गई हैं, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो इन टिक्कियों को अब मैं एक टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट पे निकाल लेती हूँ। टिश्यू पेपर इन टिक्कियों का सारा एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारी टिक्कियाँ यहाँ बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही हैं और बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रखी हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट में टमाटो सॉस निकाल कर रखा है। आप किसी भी तरीके की चटनी का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं टिक्कियों को ऐसे यहाँ प्लेट पर सजा दूँगी। मैं इन टिक्कियों के ऊपर ऐसे चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। चाट मसाला डालने से इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। आप अपने घर पर इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में और बहुत ही इजी है बनाने में। सो अगर आपको मेरा ये डिश पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।